हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने एक चीज बोली थी कि इस देश पे, इस देश के रिसोर्सेस पे पहला अधिकार मुसलमानों का है। बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है, हार्वर्ड वगैरह से पढ़े हैं, लेकिन यहाँ चूक कर गए। उनको ये बोलना चाहिए था ना, मैं ये बोलता हूँ कि इस देश के रिसोर्सेस पे पहला अधिकार मुसलमानों हिंदुओं का नहीं है, इन गणमान्य नेताओं का है। वो चाहे लाइन में लगने की बात हो, चाहे गली कूचे में एक बल्ब लगवाना हो, चाहे जेट प्लस सिक्योरिटी लेना हो, चाहे पुलिस का रिसोर्स हो, चाहे सेना का रिसोर्स हो, चाहे खदानों का रिसोर्स हो, सारे ठेके मिलेंगे तो नेता लोगों को या उनकी लॉबी को मिलेंगे। जनता के लिए क्या मिलता है? कुछ नहीं। ये इसी का एक एग्जाम्पल है कि जो बोलते हैं ना कि सब जो है सारा अधिकार मुसलमानों या जनता का है, सारा अधिकार इन गणमान्य नेताओं का है। एक एक नेता को जो चुनाव हार गए हैं ना, उनको जेट प्लस सिक्योरिटी मिलती है। आप चुनाव हार गए हो, इसका जवाब आपको सुरक्षा और ये सब सरकारी सुविधाएं मिलनी चाहिए।